मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। पिछले महीने हम सब दिवाली का आनंद ले रहे थे। हर वर्ष की तरह इस बार दिवाली के मौके पर मैं फिर एक बार जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए चीन की सीमा पर, सरहद पर गया था। आईटीबीपी के जवान, सेना के जवान, उन सबके साथ हिमालय की ऊंचाइयों में दिवाली मनाई। मैं हर बार जाता हूं, लेकिन इस दिवाली का अनुभव कुछ और था। देश के 125 करोड़ देशवासियों ने जिस अनूठे अंदाज में यह दिवाली सेना के जवानों को समर्पित की, सुरक्षा बलों को समर्पित की, इसका असर वहाँ हर जवानों के चेहरे पर अभिव्यक्त होता था। वो भावनाओं से भरे भरे दिखते थे। और इतना ही नहीं, देशवासियों ने जो शुभकामनाएं संदेश भेजे, अपनी खुशियों में देश के सुरक्षा बलों को शामिल किया, एक अद्भुत रिस्पांस था। और लोगों ने सिर्फ संदेश भेजा, ऐसा नहीं, मन से जुड़ गए थे। किसी ने कविता लिखी, किसी ने चित्र बनाए, किसी ने कार्टून बनाए, किसी ने वीडियो बनाए, यानी न जाने हर घर सेनानियों की जैसे चौकी बन गया था। और जब ये चिट्ठियां मैं देखता था तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि कितनी कल्पकता है, कितनी भावनाएं भरी हैं। और उसी में से माय गॉव को विचार आया कि कुछ चुनिंदी चीज़ें निकाल करके उसकी एक कॉफी टेबल बुक बनाई जाए। काम चल रहा है। आप सबके योगदान से, देश के सेना के जवानों की भावनाओं को, आप सबकी कल्पकता से देश के सुरक्षा बलों के प्रति आपका जो भाव विश्व है, वह इस ग्रंथ में संकलित होगा। सेना के एक जवान ने मुझे लिखा, प्रधानमंत्री जी, हम सैनिकों के लिए होली, दिवाली, हर त्यौहार सरहद पर ही होता है। हर वक्त देश की हिफाजत में डूबे रहते हैं। हाँ, फिर भी त्यौहारों के समय घर की याद आ ही जाती है। लेकिन सच कहूँ, इस बार ऐसा नहीं लगा। ऐसा कतई फील नहीं हुआ कि त्यौहार है और मैं घर नहीं हूँ। ऐसा महसूस हुआ मानो हम भी 125 करोड़ भारतवासियों के साथ दिवाली मना रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जो एहसास इस दिवाली, इस माहौल में जो अनुभूति हमारे देश के सुरक्षा बलों के बीच, जवानों के बीच जगा है, क्या ये सिर्फ कुछ मौकों पर ही सीमित रहना चाहिए? मेरी आपसे अपील है कि हम एक समाज के रूप में, राष्ट्र के रूप में अपना स्वभाव बनाएं, हमारी प्रकृति बनाएं। कोई भी उत्सव हो, त्यौहार हो, खुशी का माहौल हो, हमारे देश के सेना के जवानों को हम किसी न किसी रूप में जरूर याद करें। जब सारा राष्ट्र सेना के साथ खड़ा होता है तो सेना की ताकत 125 करोड़ गुना बढ़ जाती है। कुछ समय पहले मुझे जम्मू कश्मीर से वहाँ के गांव के सारे प्रधान मिलने आए थे। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के ये लोग थे, कश्मीर घाटी से अलग अलग गांवों से आए थे। करीब 40-50 प्रधान थे। काफ़ी देर तक उनसे मुझे बातें करने का अवसर मिला। वे अपने गांव के विकास की कुछ बातें लेकर के आए थे, कुछ मांगे लेकर के आए थे। लेकिन जब बात का दौर चल पड़ा तो स्वाभाविक था, घाटी के हालात, कानून व्यवस्था, बच्चों का भविष्य, ये सारी बातें निकलना बड़ा स्वाभाविक था। और इतने प्यार से, इतने खुलेपन से गांव के इन प्रधानों ने बातें की, हर चीज़ मेरे दिल को छूने वाली थी। बातों बातों में कश्मीर में जो स्कूलें जलाई जाती थी उसकी भी चर्चा हुई। और मैंने देखा कि जितना दुख हम देशवासियों को होता है,
इन प्रधानों को भी इतनी ही पीड़ा थी और वो भी मानते थे कि स्कूल नहीं बच्चों का भविष्य जलाया गया है। मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप जाकर के इन बच्चों के भविष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आज मुझे खुशी हो रही है कि कश्मीर घाटी से आए हुए इन सभी प्रधानों ने मुझे जो वचन दिया था उसको भली भांति निभाया, गांव में जाकर के सब दूर लोगों को जागरूक किया। अभी कुछ दिन पहले जब बोर्ड के एग्ज़ाम हुई तो कश्मीर के बेटे और बेटियों ने करीब 95% 95% कश्मीर के छात्र छात्राओं ने बोर्ड की परीक्षा में हिस्सा लिया। बोर्ड की परीक्षाओं में इतनी बड़ी तादाद में छात्रों का सम्मिलित होना इस बात की ओर इशारा करता है कि जम्मू कश्मीर के हमारे बच्चे उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा के माध्यम से विकास की नई ऊंचाइयों को पाने के लिए कृतसंकल्प है। उनके इस उत्साह के लिए मैं छात्रों को तो अभिनंदन करता हूं, लेकिन उनके माता पिता को, उनके परिजनों को, उनके शिक्षकों को और सभी ग्राम प्रधानों को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, इस बार जब मैंने मन की बात के लिए लोगों के सुझाव मांगे तो मैं कह सकता हूँ एक तरफा ही सबके सुझाव आए। सब कहते थे कि 500 और 1000 वाली नोटों पर और विस्तार से बातें करें। वैसे 8 नवंबर रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए देश में सुधार लाने के एक महाअभियान का आरंभ करने की मैंने चर्चा की थी। जिस समय मैंने ये निर्णय किया था, आपके सामने प्रस्तुत रखा था, तब भी मैंने सबके सामने कहा था कि निर्णय सामान्य नहीं है, कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन निर्णय जितना महत्वपूर्ण है उतना ही उस निर्णय को लागू करना है। और मुझे ये भी अंदाज था कि हमारे सामान्य जीवन में अनेक प्रकार की नई नई कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा। और तब भी मैंने कहा था कि निर्णय इतना बड़ा है, इसके प्रभाव में से बाहर निकलने में 50 दिन तो लग ही जाएंगे और तब जाकर के नॉर्मल अवस्था की ओर हम कदम बढ़ा पाएंगे। 70 साल से जिस बीमारियों को हम झेल रहे हैं उस बीमारियों से मुक्ति का अभियान सरल नहीं हो सकता है। आपकी कठिनाइयों को मैं भलीभांति समझ सकता हूं, लेकिन जब मैं आपका समर्थन देखता हूं, आपका सहयोग देखता हूं, आपको भ्रमित करने के लिए ढेर सारे प्रयास चल रहे हैं, उसके बावजूद भी कभी कभी मन को विचलित करने वाली घटनाएं सामने आते हुए भी आपने सच्चाई के इस मार्ग को भली भांति समझा है, देश हित की इस बात को भली भांति आपने स्वीकार किया है। 500 और 1000 के नोट और इतना बड़ा देश, इतनी करेंसियों की भरमार, अरबों खरबों नोटे और ये निर्णय, पूरा विश्व बहुत बारीकाई से देख रहा है। हर कोई अर्थशास्त्री इसका बहुत एनालिसिस कर रहा है, मूल्यांकन कर रहा है। पूरा विश्व इस बात को देख रहा है कि हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासी कठिनाइयां झेल करके भी सफलता प्राप्त करेंगे क्या। विश्व के मन में शायद प्रश्न चिन्ह हो सकता है, भारत को भारत के 125 करोड़ देशवासियों के प्रति सिर्फ श्रद्धा ही श्रद्धा है, विश्वास ही विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी संकल्प पूर्ण करके ही रहेंगे और हमारा देश सोने की तरह हर प्रकार से तप करके निखर करके निकलेगा। और उसका कारण इस देश का नागरिक है, उसका कारण आप है। इस सफलता का मार्ग भी आपके कारण ही संभव हुआ है। पूरे देश में केंद्र सरकार,
राज्य सरकार, स्थानीय स्वराज संस्थाओं की सारी इकाइयां, 1,30,000 बैंक ब्रांच, लाखों बैंक कर्मचारी, 1.5 लाख से ज्यादा पोस्ट ऑफिस, 1 लाख से ज्यादा बैंक मित्र दिन रात इस काम में जुटे हुए हैं, समर्पित भाव से जुटे हुए हैं। भांति भांति के तनाव के बीच ये सभी लोग बहुत ही शांत चित्त रूप से इसे देश सेवा का एक यज्ञ मान करके, एक महान परिवर्तन का प्रयास मान करके कार्यरत है। सुबह शुरू करते हैं, रात कब पूरा होगा पता तक नहीं रहता है, लेकिन सब कर रहे हैं। और उसी का कारण है कि भारत इसमें सफल होगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और मैंने देखा है कि इतनी कठिनाई के बीच बैंक के, पोस्ट ऑफिस के सभी लोग काम कर रहे हैं, और जब मानवता के मुद्दे की बात आ जाए तो वो दो कदम आगे दिखाई देते हैं। किसी ने मुझे कहा कि खंडवा में एक बुजुर्ग इंसान को एक्सीडेंट हो गया, अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई, वहाँ स्थानीय बैंक के कर्मचारी के ध्यान में आया और मुझे ये जानकर के खुशी हुई कि खुद जाकर के उनके घर उस बुजुर्ग को उन्होंने पैसे पहुँचाए ताकि इलाज में मदद हो जाए। ऐसे तो अनगिनत किस्से हर दिन टीवी में, मीडिया में, अखबारों में, बातचीत में सामने आते हैं। इस महायज्ञ के अंदर परिश्रम करने वाले, पुरुषार्थ करने वाले इन सभी साथियों का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। शक्ति की पहचान तो तब होती है जब कसौटी से पार होते हैं। मुझे बराबर याद है जब प्रधानमंत्री के द्वारा जनधन योजना का अभियान चल रहा था और बैंक के कर्मचारियों ने जिस प्रकार से उसको अपने कंधे पर उठाया था और जो काम 70 साल में नहीं हुआ था उन्होंने करके दिखाया था, उनके सामर्थ्य का परिचय हुआ। आज फिर एक बार उस चुनौती को उन्होंने लिया है और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासियों का संकल्प, सबका सामूहिक पुरुषार्थ इस राष्ट्र को एक नई ताकत बना करके प्रशस्त करेगा। लेकिन बुराइयां इतनी फैली हुई है कि आज भी कुछ लोगों की बुराइयों की आदत जाती नहीं है। अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि ये भ्रष्टाचार के पैसे, ये काले धन, ये बेहिसाबी पैसे, ये बेनामी पैसे कोई न कोई रास्ता खोज करके व्यवस्था में फिर से ला दूं। वो अपने पैसे बचाने के फिराक में गैर कानूनी रास्ते ढूंढ रहे हैं। दुख की बात यह है कि इसमें भी उन्होंने गरीबों का उपयोग करने का रास्ता चुनने का पसंद किया है। गरीबों को भ्रमित कर, लालच या प्रलोभन की बातें करके, उनके खातों में पैसे डाल करके या उनसे कोई काम करवा करके पैसे बचाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से आज कहना चाहता हूं, सुधरना न सुधरना आपकी मर्जी, कानून का पालन करना न करना आपकी मर्जी, वो कानून देखेगा क्या करना, लेकिन मेहरबानी करके आप गरीबों की जिंदगी के साथ मत खेलिए। आप ऐसा कुछ न करें कि रिकॉर्ड पर गरीब का नाम आ जाए और बाद में जब जांच हो तब मेरा प्यारा गरीब आपके पाप के कारण मुसीबत में फंस जाए। और बेनामी संपत्ति का इतना कठोर कानून बना है जो इसमें लागू हो रहा है, कितनी कठिनाई आएगी। और सरकार नहीं चाहती है कि हमारे देशवासियों को कोई कठिनाई आए। मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान आशीष ने इस 500 और 1,000 का माध्यम से भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ी गई है, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया है, उसे सराहा है। सर नमस्ते, मेरा नाम आशीष पारे है, मैं ग्राम सिराली, तहसील सिराली, जिला हरदा, मध्य प्रदेश का एक आम नागरिक हूँ। आपके द्वारा जो मुद्रा 1,500 के नोट बंद किए गए हैं यह बहुत ही सराहनीय है। मैं चाहता हूँ कि मन की बात में कई उदाहरण लोगों को बताइए कि लोगों ने असुविधा सहन कर होने के बावजूद भी उन्होंने राष्ट्र उन्नति के लिए यह कड़ा कदम के लिए स्वागत किया है, जिससे लोग एक तरह से उत्साहवर्धित होंगे।
और राष्ट्र निर्माण के लिए कैशलेस प्रणाली बहुत आवश्यक है, और मैं पूरे देश के साथ हूं, और मैं बहुत खुश हूं कि आपने 1,500 के नोट बंद करा दिए। वैसा ही मुझे एक फोन कर्नाटक के श्रीमान येलप्पा विलांकर जी की तरफ से आया है। मोदी जी नमस्ते, मैं कर्नाटक का कोप्पल डिस्ट्रिक्ट का इतनाल से गांव से येलप्पा विलांकर बात कर रहा हूँ। आपको मन से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा कि ऐसा बड़ा कदम आप उठाएंगे। 500 का और 1,000 का नोट ये सब दे करके काला धन और भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाया। हर एक भारत के नागरिक को इससे अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। इसी के लिए मैं आपको मन पूर्ण धन्यवाद करना चाहता हूँ। कुछ बातें मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, सरकारी सूत्रों के माध्यम से जानने को मिलती हैं तो काम करने का उत्साह भी बहुत बढ़ जाता है। इतना आनंद होता है, इतना गर्व होता है कि मेरे देश में सामान्य मानवी का क्या अद्भुत सामर्थ्य है। महाराष्ट्र के अकोला में नेशनल हाईवे NH6, वहाँ को एक रेस्टोरेंट है, उन्होंने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाया है कि अगर आपके जेब में पुरानी नोट हैं और आप खाना खाएं तो आप पैसों की चिंता न करें, यहाँ से भूखा मत जाइए, खाना खा के जाइए, और फिर कभी इस रास्ते से गुजरने का आ जाए आपको मौका तो ज़रूर पैसे दे करके जाना। और लोग वहाँ जाते हैं, खाना खाते हैं, और 2-4-6 दिन के बाद जब वहाँ से फिर से गुजरते हैं तो फिर से पैसे भी लौटा देते हैं। ये है मेरे देश की ताकत, जिसमें सेवा भाव, त्याग भाव भी है और प्रामाणिकता भी है। मैं चुनाव में चाय पे चर्चा करता था और सारे विश्व में ये बात पहुंच गई थी, दुनिया के कई देश के लोग चाय पे चर्चा शब्द भी बोलना सीख गए थे। लेकिन मुझे पता नहीं कि चाय पे चर्चा में शादी भी होती है। मुझे पता चला कि 17 नवंबर को सूरत में एक ऐसी शादी हुई जो शादी चाय पे चर्चा के साथ हुई। गुजरात में सूरत में एक बेटी ने अपने यहाँ शादी में जो लोग आए उनको सिर्फ चाय पिलाई और कोई जलसा नहीं किया, न खाने का कार्यक्रम, कुछ नहीं, क्योंकि नोटबंदी के कारण कुछ कठिनाई आई थी पैसों की। बारातियों ने भी उसे इतना ही सम्मान माना। सूरत के भरत मारू और दक्षा परमार, उन्होंने अपनी शादी के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ ये जो लड़ाई चल रही है उसमें जो योगदान किया है, ये अपने आप में प्रेरक है। नवपरिणीत भरत और दक्षा को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद भी देता हूँ और शादी के मौके को भी इस महान यज्ञ में परिवर्तित करके एक नए अवसर में पलट देने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जब ऐसे संकट आते हैं लोग रास्ते भी बढ़िया खोज लेते हैं। मैंने एक बार टीवी न्यूज में देखा, रात देर से आया था तो देख रहा था, असम में ढेकियां झुली करके एक छोटा सा गांव है, टी वर्कर रहते हैं और टी वर्कर को साप्ताहिक रूप से मिलते हैं। अब 2,000 रुपये का नोट मिला तो उन्होंने क्या किया, चार अड़ोस पड़ोस की महिलाएं इकट्ठी हो गई और चारों ने साथ जाकर के खरीदी की और 2,000 रुपये का नोट पेमेंट किया तो उनको छोटी करेंसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि चार ने मिलकर खरीदा और तय किया कि अगले हफ्ते मिलेंगे तब उसका हिसाब अपन कर लेंगे बैठ करके। लोग अपने आप रास्ते खोज रहे हैं और इसका बदलाव भी देखिए, सरकार के पास एक मैसेज आया, असम के टी गार्डन के लोग कह रहे हैं कि हमारी ITM लगाओ। देखिए किस प्रकार से गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा है। इस अभियान का कुछ लोगों को तत्काल लाभ मिल गया है, देश को तो लाभ आने वाले दिनों में मिलेगा लेकिन कुछ लोगों को तो तत्काल लाभ मिल गया है। थोड़ा हिसाब पूछा क्या हुआ है तो मैंने छोटे छोटे जो शहर है वहाँ की थोड़ी जानकारी पाई, करीब 40-50 शहरों की जानकारी जो मुझे मिली कि इस नोट बंद करने के कारण उनके जितने पुराने पैसे बाकी थे, लोग पैसे नहीं देते थे टैक्स के, पानी का टैक्स नहीं, बिजली का नहीं, पैसे देते ही नहीं थे। और आप भलीभांति जानते हैं गरीब लोग 2 दिन पहले जा करके पाई पाई चुकता करने की आदत रखते हैं। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, जिनकी पहुँच होती है, जिनको पता है कि कभी भी उनको कोई पूछने वाला नहीं है, वही पैसे नहीं देते हैं और इसके लिए काफ़ी बकाया रहता है। हर म्युनिसिपैलिटी को टैक्स का मुश्किल से 50% आता है।
लेकिन इस बार 8 तारीख के इस निर्णय के कारण सब लोग अपनी पुरानी नोटें जमा कराने के लिए दौड़ गए। 47 शहरी इकाइयों में पिछले साल इस समय करीब 3,350 करोड़ रुपए का टैक्स आया था। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आनंद भी होगा, इस एक सप्ताह में उनको 13,000 करोड़ रुपए जमा हो गया। कहाँ 3,350 और कहाँ 13,000, और वो भी सामने से आकर के। अब उन म्युनिसिपैलिटियों में 4 गुना ये पैसा आ गया तो स्वाभाविक है, गरीब बस्तियों में गटर की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी, आंगनवाड़ी की व्यवस्था होगी। ऐसे तो कई उदाहरण मिल रहे हैं कि जिसमें इसका सीधा सीधा लाभ भी नजर आने लगा है। भाइयों बहनों, हमारा गांव, हमारा किसान, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था की एक मजबूत धुरी है। एक तरफ अर्थव्यवस्था के इस नए बदलाव के कारण कठिनाइयों के बीच हर कोई नागरिक अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, लेकिन मैं मेरे देश के किसानों का आज विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूँ। अभी मैं इस फसल की बुआई के आंकड़े ले रहा था, मुझे खुशी हुई, चाहे गेहूं हो, चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, नवंबर की 20 तारीख तक का मेरे पास हिसाब था, पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी मात्रा में बुआई बढ़ी है। कठिनाइयों के बीच भी किसान ने रास्ते खोजे हैं, सरकार ने भी कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं जिसमें किसानों को और गांव को प्राथमिकता दी है। उसके बाद भी कठिनाइयां तो है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो किसान हमारी हर कठिनाइयां, प्राकृतिक कठिनाइयां हो, उसको झेलते हुए भी हमेशा डट करके खड़ा रहता है, इस समय भी वो डट करके खड़ा है। हमारे देश के छोटे व्यापारी, वे रोजगार भी देते हैं, आर्थिक गतिविधि भी बढ़ाते हैं। पिछले बजट में हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया था, बड़े बड़े मॉल की तरह गांव के छोटे छोटे दुकानदार भी अब 24 घंटा अपना व्यापार कर सकते हैं, कोई कानून उनको रोकेगा नहीं। क्योंकि मेरा मत था, बड़े बड़े मॉल को 24 घंटे मिलते हैं तो गाँव के गरीब दुकानदार को क्यों नहीं मिलना चाहिए। मुद्रा योजना से उनको लोन देने की दिशा में काफ़ी इनिशिएटिव लिए, लाखों करोड़ों रुपए मुद्रा योजना से ऐसे छोटे छोटे लोगों को दिए, क्योंकि ये छोटा कारोबार करोड़ों की तादाद में लोग करते हैं और अरबों खरबों रुपये के व्यापार को गति देते हैं। लेकिन इस निर्णय के कारण उनको भी कठिनाई होना स्वाभाविक था, लेकिन मैंने देखा है कि अब तो हमारे इन छोटे छोटे व्यापारी भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से, मोबाइल बैंक के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपने अपने तरीके से ग्राहकों की सेवा कर रहे हैं, विश्वास के आधार पर भी कर रहे हैं। और मैं अपने छोटे व्यापारी भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ कि मौका है, आप भी डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर लीजिए। आप भी अपने मोबाइल फोन पर बैंकों की ऐप डाउनलोड कर दीजिए, आप भी क्रेडिट कार्ड के लिए पॉश मशीन रख लीजिए, आप भी बिना नोट कैसे व्यापार हो सकता है सीख लीजिए। आप देखिए, बड़े बड़े मॉल टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने व्यापार को जिस प्रकार से बढ़ाते हैं, एक छोटा व्यापारी भी इस सामान्य यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी से अपना व्यापार बढ़ा सकता है। बिगड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है, बढ़ाने का अवसर। मैं आपको निमंत्रण देता हूँ कि कैशलेस सोसाइटी बनाने में आप बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। आप अपने व्यापार को बढ़ाने में मोबाइल फोन पर पूरा बैंकिंग व्यवस्था खड़ी कर सकते हैं, और आज नोटों के सिवाय अनेक रास्ते हैं जिससे हम कारोबार चला सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल रास्ते हैं, सेफ है, सिक्योर है और त्वरित है। मैं चाहूँगा कि आप सिर्फ इस अभियान को सफल करने के लिए मदद करें, इतना नहीं, आप बदलाव का भी नेतृत्व करें। और मुझे विश्वास है आप बदलाव का नेतृत्व कर सकते हैं। आप पूरे गांव के कारोबार में ये टेक्नोलॉजी के आधार पर काम कर सकते हैं, मेरा विश्वास है। मैं मजदूर भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं, आपका बहुत शोषण हुआ है। कागज पे एक पगार होता है और जब हाथ में दिया जाता है तब दूसरा होता है। कभी पगार पूरा मिलता है तो बाहर कोई खड़ा होता है, उसको कट देना पड़ता है।
और मजदूर मजबूरन इस शोषण को जीवन का हिस्सा बना देता है। इस नई व्यवस्था से हम चाहते हैं कि आपका बैंक में खाता हो, आपके पगार के पैसे आपके बैंक में जमा हो, ताकि मिनिमम वेजेज का पालन हो, आपको पूरा पैसा मिले, कोई कट ना करे, आपका शोषण ना हो। और एक बार आपके बैंक खाते में पैसे आ गए तो आप भी तो छोटे से मोबाइल फोन पर, कोई बड़ा स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है, आजकल तो आपका मोबाइल फोन भी ई बटवे का काम करता है। आप उसी मोबाइल फोन से अड़ोस पड़ोस की छोटी मोटी दुकान में जो भी खरीदना है खरीद भी सकते हैं, उसी से पैसे भी दे सकते हैं। इसलिए मैं मजदूर भाइयों बहनों को इस योजना में भागीदार बनने के लिए विशेष आग्रह करता हूँ, क्योंकि आखिरकार इतना बड़ा मैंने निर्णय देश के गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, वंचित के लिए, पीड़ित के लिए लिया है, उसका बेनिफिट उसको मिलना चाहिए। आज मैं विशेष रूप से युवक मित्रों से बात करना चाहता हूँ। हम दुनिया में गाजे बाजे के साथ कहते हैं कि भारत ऐसा देश है कि जिसके पास 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है। आप मेरे देश के युवा और युवतियाँ, मैं जानता हूँ मेरा निर्णय तो आपको पसंद आया है, मैं ये भी जानता हूँ कि आप इस निर्णय का समर्थन करते हैं, मैं ये भी जानता हूँ कि आप इस बात को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने के लिए बहुत योगदान भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप मेरे सच्चे सिपाही हो, आप मेरे सच्चे साथी हो। माँ भारती की सेवा करने का एक अद्भुत मौका हमारे सामने आया है, देश को आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने का अवसर आया है। मेरे नौजवानों, आप मेरी मदद कर सकते हो क्या? मुझे साथ दोगे इतने से बात बनने वाली नहीं है। जितना आज की दुनिया का अनुभव आपको है, पुरानी पीढ़ी को नहीं है। हो सकता है आपके परिवार में बड़े भाई साहब को भी मालूम नहीं होगा, और माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी को भी शायद मालूम नहीं होगा। आप ऐप क्या होती हो जानते हो, ऑनलाइन बैंकिंग क्या होता है जानते हो, ऑनलाइन टिकट बुकिंग कैसे होता है आप जानते हो। आपके लिए चीज़ें बहुत सामान्य है और आप उपयोग भी करते हो। लेकिन आज देश जिस महान कार्य को करना चाहता है, हमारा सपना है कैशलेस सोसाइटी। ये ठीक है कि 100% कैशलेस सोसाइटी संभव नहीं होती है, लेकिन क्यों न भारत लेस कैश सोसाइटी की तो शुरुआत करें। एक बार अगर आज हम लेस कैश सोसाइटी की शुरुआत करें दे तो कैशलेस सोसाइटी का मंजिल दूर नहीं होगी। और मुझे इसमें आपकी फिजिकल मदद चाहिए, खुद का समय चाहिए, खुद का संकल्प चाहिए। और आप मुझे कभी निराश नहीं, मुझे विश्वास है, क्योंकि हम सब हिंदुस्तान के गरीब की जिंदगी बदलने की इच्छा रखने वाले लोग हैं। आप जानते हैं, कैशलेस सोसाइटी के लिए, डिजिटल बैंकिंग के लिए या मोबाइल बैंकिंग के लिए आज कितने सारे अवसर हैं। हर बैंक ऑनलाइन सुविधा देता है, हिंदुस्तान की हर एक बैंक की अपनी मोबाइल ऐप है, हर बैंक का अपना वॉलेट है, वॉलेट का सीधा सीधा मतलब है ई बटवा, कई तरह के कार्ड उपलब्ध हैं। जनधन योजना के तहत भारत के करोड़ों करोड़ गरीब परिवारों के पास रुपे कार्ड है, और 8 तारीख के बाद तो जो रुपे कार्ड का बहुत कम उपयोग होता था, गरीबों ने रुपे कार्ड का उपयोग करना शुरू किया और करीब करीब 300% उसमें वृद्धि हुई है। जैसे मोबाइल फोन में प्रीपेड कार्ड आता है, वैसा बैंकों में भी पैसा खर्च करने के लिए प्रीपेड कार्ड मिलता है। एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है कारोबार करने के, UPI, जिससे आप खरीदी भी कर सकते हैं, पैसे भी भेज सकते हैं, पैसे ले भी सकते हैं। और ये काम इतना सिंपल है जितना कि आप व्हाट्सएप भेजते हैं। कुछ भी न पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, उसको भी आज व्हाट्सएप कैसे भेजना आता है, फॉरवर्ड कैसे करना आता है। इतना ही नहीं, टेक्नोलॉजी इतनी सरल होती जा रही है कि इस काम के लिए कोई बड़े स्मार्टफोन की भी आवश्यकता नहीं है। साधारण जो फीचर फोन होता है उससे भी कैश ट्रांसफर हो सकती है। धोबी हो, सब्जी बेचने वाला हो, दूध बेचने वाला हो, अखबार बेचने वाला हो, चाय बेचने वाला हो, चने बेचने वाला हो, हर कोई इसका आराम से उपयोग कर सकता है। और मैंने भी इस व्यवस्था को और अधिक सरल बनाने के लिए और जोर दिया है। सभी बैंक इस पर लगी हुई है, कर रही हैं, और अब तो हमने ये ऑनलाइन सरचार्ज का भी खर्चा आता था वो भी कैंसिल कर दिया,
और भी इस प्रकार के कार्ड वगैरह का जो खर्चा आता है आपने देखा होगा पिछले 2-4 दिन में अखबारों में, सारे खर्चे खत्म कर दिए ताकि कैशलेस सोसाइटी की मूवमेंट को बल मिले। मेरे नौजवान दोस्तों, ये सब होने के बाद भी एक पूरी पीढ़ी ऐसी है कि जो इससे अपरिचित है, और आप सभी लोग, मैं भली भांति जानता हूं, इस महान कार्य में सक्रिय है। व्हाट्सएप पर जिस प्रकार के क्रिएटिव मैसेज आप देते हैं, स्लोगन, कविताएं, किस्से, कार्टून, नई नई कल्पना, हंसी मजाक, सब कुछ मैं देख रहा हूं। और चुनौतियों के बीच ये हमारी युवा पीढ़ी की जो सृजन शक्ति है, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये भारत भूमि की विशेषता है कि किस जमाना में युद्ध के मैदान में गीता का जन्म हुआ था, वैसे ही आज इतने बड़े बदलाव के काल से हम गुजर रहे हैं, तब आपके अंदर भी मौलिक क्रिएटिविटी प्रकट हो रही है। लेकिन मेरे प्यारे नौजवान मित्रों, मैं फिर एक बार कहता हूं, मुझे इस काम में आपकी मदद चाहिए। जी जी जी, मैं दोबारा कहता हूं, मुझे आपकी मदद चाहिए। और आप मुझे विश्वास है, मेरे देश के करोड़ों नौजवान इस काम को करेंगे। आप एक काम कीजिए, आज से ही संकल्प लीजिए कि आप स्वयं कैशलेस सोसाइटी के लिए खुद एक हिस्सा बनेंगे। आपके मोबाइल फोन पर ऑनलाइन खर्च करने की जितनी टेक्नोलॉजी हो सब मौजूद होगी। इतना ही नहीं, हर दिन आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा निकाल करके कम से कम 10 परिवारों को आप ये टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करते हैं, कैसे अपनी बैंकों की ऐप डाउनलोड करते हैं, अपने खाते में जो पैसे पड़े हैं वो पैसे कैसे खर्च किए जा सकते हैं, कैसे दुकानदार को दिए जा सकते हैं, दुकानदार को भी सिखाइए कि कैसे व्यापार किया जा सकता है। आप स्वेच्छा से इस कैशलेस सोसाइटी, इन नोटों के चक्कर से बाहर लाने का महाअभियान, देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का अभियान, काला धन से मुक्ति दिलाने का अभियान, लोगों को कठिनाइयों, समस्याओं से मुक्त करने का अभियान, इसका नेतृत्व करना है आपको। एक बार लोगों को रुपये कार्ड का उपयोग कैसे हो ये आप सिखा देंगे तो गरीब आपको आशीर्वाद देगा। सामान्य नागरिक को ये व्यवस्थाएं सिखा दोगे तो उसको तो शायद सारी चिंताओं से मुक्ति मिल जाएगी। और ये काम अगर हिंदुस्तान के सारे नौजवान लग जाएं, मैं नहीं मानता हूं ज्यादा समय लगेगा, 1 महीने के भीतर भीतर हम विश्व के अंदर एक नए आधुनिक हिंदुस्तान के रूप में खड़े हो सकते हैं। और ये काम आप अपने मोबाइल फोन के जरिए कर सकते हो, रोज 10 घरों में जाकर के कर सकते हो, रोज 10 घरों को इसमें जोड़ करके कर सकते हो। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आइए, सिर्फ समर्थन नहीं, हम इस परिवर्तन के सेनानी बने, और परिवर्तन लेके ही रहेंगे, देश को भ्रष्टाचार और काले धन से मुक्त करने की लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। और दुनिया में बहुत देश हैं जहां के नौजवानों ने उस राष्ट्र के जीवन को बदल दिया है, और ये बात माननी पड़ेगी, जो बदलाव लाता है वो नौजवान लाता है, क्रांति करता है वो युवा करता है। केनिया, उसने बिड़ा उठाया, एम पैसा ऐसी एक मोबाइल व्यवस्था खड़ी की, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, एम पैसा नाम रखा, और आज करीब करीब अफ्रीका के इस इलाके में, केनिया में पूरा कारोबार इस पर शिफ्ट होने की तैयारी में आ गया है। एक बड़ी क्रांति की है इस देश ने। मेरे नौजवानों, मैं फिर एक बार बड़े आग्रह से आपको कहता हूं कि आप इस अभियान को आगे बढ़ाइए। हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एनसीसी, एनएसएस, सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से इस काम को करने के लिए मैं आपको निमंत्रण देता हूं। हम इस बात को आगे बढ़ाएं, देश की उत्तम सेवा करने का हमें अवसर मिला है, मौका गंवाना नहीं है। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे देश के एक महान कवि श्रीमान हरिवंश राय बच्चन जी का आज जन्म जयंती का दिन है, और आज हरिवंश राय जी के जन्मदिन पर श्रीमान अमिताभ बच्चन जी ने स्वच्छता अभियान के लिए एक नारा दिया है। आपने देखा होगा, इस सदी के
सर्वाधिक लोकप्रिय कलाकार अमिताभ जी स्वच्छता के अभियान को बहुत जी जान से आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे लग रहा है कि स्वच्छता का विषय उनके रग रग में फैल गया है। और तभी तो अपने पिताजी की जन्म जयंती पर भी उनको स्वच्छता का ही काम याद आया। उन्होंने लिखा है कि हरिवंश राय जी की एक कविता है और उसकी एक पंक्ति उन्होंने लिखी है, मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय। हरिवंश राय जी इसके माध्यम से अपना परिचय दिया करते थे, मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय। तो उनके सुपुत्र श्रीमान अमिताभ जी ने, जिसकी रगों में स्वच्छता का मिशन दौड़ रहा है, उन्होंने मुझे लिख करके भेजा है हरिवंश राय जी की कविता का उपयोग करते हुए, स्वच्छ तन स्वच्छ मन स्वच्छ भारत मेरा परिचय। मैं हरिवंश राय जी को आदरपूर्वक नमन करता हूँ। श्रीमान अमिताभ जी को भी मन की बात में इस प्रकार से जुड़ने के लिए और स्वच्छता के काम को आगे बढ़ाने के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, अब तो मन की बात के माध्यम से आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके पत्रों के माध्यम से माय गॉव पर, नरेंद्र मोदी ऐप पर लगातार मुझे आपको जोड़ करके रखती है। अब तो 11 बजे ये मन की बात होती है, लेकिन प्रादेशिक भाषाओं में इसे पूरा करने के तुरंत बाद शुरू करने वाले हैं। मैं आकाशवाणी का आभारी हूँ, ये नया उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, ताकि जहाँ पर हिंदी भाषा प्रचलित नहीं है वहाँ के भी मेरे देशवासियों को जरूर इससे जुड़ने का अवसर मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हमारे इस विशेष प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। आप अभी देख रहे थे प्रधानमंत्री के मन की बात का 26वां संस्करण, जिसकी शुरुआत उन्होंने जवानों से की, किसानों की बात की। इसके अलावा